आ भैया इधर जा इधर जा। नहीं भैया फ्लॉप है, सोचा था शायद फ्लेवर देगा। हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात करते हैं जी आज के वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा है भाई मटन स्ट्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई पतीला लगा दिया है, ठीक है जी एज यूजुअल। तो इसमें डालते हैं जी मस्टर्ड का तेल। भाई कितना भाई 15 टेबल स्पून भाई डाल दो। बस 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 भाई इसके गर्म होने का वेट कर लियो। तो जी तेल जो है वो ठीक ठाक गर्म हो गया हुआ जी, ठीक है। इसमें हम डालेंगे जी 2 टेबल स्पून भाई देसी घी। बढ़िया डाई हो गया, ढाई टेबल स्पून। तो जी देसी घी भी भाई पिघला दो। भाई ये देख रहे हो एक है भाई, चुप कर जा भाई। ये है जी जावित्री एक, दालचीनी, ये जी पिपली, ठीक है जी। ये जी नटमेग, ये जी चक्रफूल जो टूट गया हुआ है, ये जी हरी हरी मिर्चा नहीं लाल लाल मिर्चा, कितनी है 10-12 है यार। 2 बड़ी इलायचियां, 4 से 5 छोटी इलायचियां, 4 से 5 लौंग भाई, 3-4 तेज पत्ते और 1.5 टीस्पून भाई ये मिर्चे, वो कौन सी ब्लैक पेपर, ठीक है जी। भाई डाल दो सारे के सारे इज्जत से, चलिए मिला लो जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है जी। तो जी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है जी। इसमें पर ये डालेंगे अब भाई, ये डालेंगे ये भाई, ये अदरक और लहसुन जो है ये मैंने पीसेस किए हुए हैं, ठीक है जी। समझ लो कि 2.5 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है, बट डाल दो। तो जी इसे भी अब करीब 30 सेकंड तक भाई पका लो इस मसाले के साथ में। भाई 30 सेकंड हो गए जी, डालते हैं जी इसमें प्याज। भाई देख रहे हो प्याज कितना है, ठीक है जी। ये करीब 400 ग्राम प्याज है जी, काट के डाल लो भाई, मिला लो। अब आपने करना क्या जी, करना कुछ खास नहीं है जी। हाई फ्लेम पे इस मसाले के साथ इस प्याज को भाई पिंकिश एंड ब्राउनिश ब्राउनिश कर डालो। तो जी प्याज अपने फुल पिंकिश हो गए हैं और थोड़े थोड़े ब्राउनिश हो चुके हैं जी। अब करना क्या जी, गैस का फ्लेम थोड़ा लो तो कर लो। तो जी ये जो प्याज है ना, प्याज इनको थोड़ा सा मैश कर दो, समझे मेरी बात को आप, ऐसे ऐसे, बल्कि ये और भी मैश हो जाएंगे बाद में, बट अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कर लो जितना होता है। तो जी जितना मैश मुझसे हो गया उतना मैंने कर दिया, ठीक है जी। अब करना क्या जी, नेक्स्ट कार्रवाई बताता हूँ। इसमें डालेंगे जी मटन, ठीक है जी। भाई ये कितना बढ़ाना जी, 1 किलो और 250 ग्राम, ठीक है, ज्यादा नहीं है। लगे हाथ मिला लो जी, नमक भी स्वाद के अनुसार, ठीक है जी। तो जी मिला लो, अब गैस का फ्लेम हाई तो कर लो और 2 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे इस मटन के साथ पका लो इन प्याजों को, केवल 2 मिनट तक। तो जी 2 मिनट हो गया जी हाई फ्लेम पे पकते हुए जी मटन को। अब करना क्या जी, करना खास नहीं है। इसमें डालेंगे जी 2.5 टेबल स्पून देगी मिर्च, मिर्च का पाउडर 1 चम्मच हल्दी यानी कि हल्दी, 2 चम्मच भाई जीरे का पाउडर, और ये देख रहे हो क्या, ये दरदरा कूटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, और इसको मैंने बाद में रोस्ट किया था तवे के ऊपर, भाई छिड़क दो, ये भी 2 टेबल स्पून है डाल दो। और ये इन सबको इज्जत से मिला। अब आपने करना क्या जी, अब आपने दोबारा से ऐसे हाई फ्लेम पे पकाते रहना है करीब 2 से 2.5 मिनट के लिए, बता दो क्या करना है। तो जी 2-3 मिनट हो गए इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे। अब हम क्या करेंगे जी, हम कुछ खास नहीं करेंगे, इसमें हम करीब 1.5 गिलास पानी लाएंगे, बस भाई बस, ठीक है, शांत हो जाओ, ठीक है, और इसे मिला लो। क्योंकि अभी क्या होना है कि हमने पानी मिलाया तो जरूर है, बट मटन ने पानी छोड़ना भी अपना, समझे मेरी बात, ये केवल इसका मसाले को पकाने के लिए, सॉरी पकाने के लिए। अब आप एक हल्की फुल्की उबाल का वेट कर लियो। तो जी मीट में उबाल आ चुकी है, अब करना क्या है, करना ये कि इसे हम पकाना है, ठीक है, लो फ्लेम पे। अभी हम इस पर ढक्कन रखेंगे, अभी पानी नहीं मिलाना इसमें आप, ठीक है ना, जितना पानी छोड़ेगा वो हम देखेंगे कितना छोड़ता है ये, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम लास्ट में पानी और मिलाएंगे। तो इसी पे हम फिलहाल जो है ना, फिलहाल इस पे हम ढक्कन रखेंगे, लो फ्लेम करेंगे और आधे घंटे तक इसको लो फ्लेम तक पकने देंगे, आधे घंटे बाद चेक करेंगे इसे। तो जी 35-40 मिनट हो गए, चक लो भाई, देखो जी कितना पानी छोड़ा मटन है, भाई देख रहे हो भाई, बाबारी कैमरे पे। तो यानी कि पानी मिलाने की कोनो रिक्वायरमेंट ना आए, ठीक है जी। तो अब देखते गला कितना है यार, और ना जी ना, अभी इस पे 40 मिनट और लगेंगे, ठीक है जी, इसे लो फ्लेम पे पकने दो जी ढक्कन बंद करके। तो दोस्तों अनदर 40 मिनट हो गए, चक लो भाई। इन 40 मिनटों के बीच में मैंने थोड़ा पानी इसमें और ऐड किया था, क्यों, पानी शॉर्ट हो गया था। अब हम चेक करते हैं मीट गला या नो गला, भैया गला तो है बट अभी 20 मिनट की गेम और है, समझे मेरी बात को आप। इसमें डालेंगे जी और 2 टेबल स्पून देसी घी, और पड़िया एंड पड़िया। तो जी मिला लो चंगे से, मिला लो।
तो जी देसी घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, देख लो हाँ, ग्रेवी की चेक कर लो, ग्रेवी की चेक कर लो। ये देखो अब करना क्या जी, इसमें हम डालेंगे जी फेंटा हुआ दही करीब 150 ग्राम, ठीक है। अब पड़ जाओ है, पड़ जाओ, ठीक है। अब कर लो गैस का फ्लेम हाई और इसे भाई कड़छी चलाते रहो, ठीक है। कड़छी चलाते चलाते भाई दही में भी उबाल आ चुकी है। अब करना क्या जी, करना खास तो है नहीं है, गैस का फ्लेम लो कर लो, इसे फिर बुझाओ आप 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों अनदर 20 मिनट हो गए, चक लो। ओ भाई देखो, हाँ देखो, ये देखो जी ग्रेवी, देखिए ग्रेवी क्या बनी इसकी, इतनी क्लास लग रही है बाबा। हाँ भाई मीट गला नहीं गला, मैं तो ग्रेवी में चला गया बाबा। मखन मखन, तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हुई जी अपना भाई मटन स्ट्यू, भाई देख लो यार, भाई देखो देखो देखो, पहले देखो पहले यार ग्रेवी देख लो उसकी, आप लग कैसी रही है, हाँ दिख कैसी रही है, ये देखो कंडीशन देखो वो अच्छे से, और देखो यार ये देखो ग्रेवी देखो, हाँ लहराती हुई। ओ भाई पीस देखो, पीस देसी क्यों, अबे देसी क्यों तो देखा ही नहीं हमने, देसी क्यों, देसी क्यों ओनली, हाँ भाई देखो जी ये राजीव पीस, हाँ भाई देखो जी। और साथ में क्या लिया जी, साथ में लिया जी ये गैस करो, गैस करो क्या है बताऊंगा बाद में क्या है जी। भैया जी खाली खटोरा, हाँ और यह जी हरी हरी चटनी, धनिया की, पुदीने की, हरी मिर्च की, नींबू की, अलॉन्ग विद दही एंड नींबू नमक सॉरी। अब मुद्दा ये है कि भाई जो ये धमाकेदार जो ग्रेवी बनी हुई है भाई, ये स्वाद में कैसी होगी, कैसी होगी, मैं इसको बाइज्जत अपने प्लेट में लेके आता हूँ यार, प्लेट में लेके आता हूँ। भाई देखो ये देसी घी कैसे देखो लहराते हुए निकल रहा है साइड से, देख रहे हो, देख रहे हो, हाँ टेक्चर देखो, देखो जी देखो टेक्चर देखो, अब कितने प्याज और कितने है वो प्याज गया कहाँ भाई, हाँ भाई एक घंटा भाई चालीस चालीस भी यानी 100 यानी उससे भी ऊपर लगा दो थोड़ा बहुत, हाँ बल्कि पकते पकते ये हालत हो गई इसकी एक घंटे से ऊपर। आओ भाई आओ, अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। पहले बताता हूं भाई जबरानजा 30X क्या ग्रेवी है यार, ऐसी ग्रेवी है ना, मैं अब अल्फाज जो लेके आऊं तो कहां कहां से चुनके लेके आऊं भाई, ये वाकई में यार बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार भाई रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है यार। मतलब कि यार ये टीम कॉम्बिनेशन है, टीम बोले टीम परफॉर्मेंस है बाबा, टीम परफॉर्मेंस, हाँ तगड़ी कोलैबोरेशन है हर एक मसाले की, हर एक चीज़ की, देसी घी हो पावे दही हो, धमाका है यार धमाका। अब मुद्दा ये है, पहले पीस ही चेक करेंगे यार, इसको हम बाद में देखेगा बाबा। आ भैया इधर जा, इधर जा, मैं क्या बताऊं यार, देखो जो चीज पक पक के यार इतनी देर से पक रही है यार, हाँ एक घंटे से ऊपर देखो, हाँ ये देखो भाई, हाँ आ भैया अब इसको कैसे लगा के इस ग्रेवी के साथ में, उस देसी घी के साथ में देख के ही स्वाद आ रही यार। फोर्टी एक्स भाई जबरानजा 40X, आज कितने दिनों बाद जबरानजा हुआ और जो मेरे माइंड में क्लिक हुआ यार, फ्लो फ्लेवर है यार। मतलब खड़े मसाले जो खासकर जो मैं कहता हूँ ना, जैसे वो अपने जावित्री नटमैग वगैरह जो पढ़ते हैं ना यार, ये बहुत डेंजरस होते हैं, समझी मेरी बात, मैं आपको और बताएगा मैं क्या फील कर रहा हूँ यार। ओ साबुदानिया धनिया जो मैंने दर दर कूटा हुआ था वो बाद में रोज करके मैं डाला इसके ऊपर, क्या फ्लेवर दे रहा है यार, वो जब जुबान पे आ रहा ना बीच बीच में धमाका टेस्ट यार, धमाका निकलेगा जो छींटे मारेगा, फ्रीज हो गया भैया, फ्रीज हो गया है। देगी मिर्च, ड्राई लाल मिर्च दोनों मिलके यार क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि जो स्पाइसी मतलब कि जो आपको तंग करेगा या जुबान पे आपके जलाएगा वैसा नहीं है, लेकिन हल्का हल्का सुरूर देगा किसका भाई, टेस्ट का, तीखे तीखे टेस्ट का। हाँ भाई अब मुद्दा ये है
भाई आप ये पूछोगे भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाँ इसके लिए भाई कटोरा लाना पड़ेगा क्यों, इधर हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मेरे को बताएगा पहले कि ये क्या है, पहले मैं इसकी ग्रेवी लेके आएगा, इसको मिला लो घोलो, अब बताएगा मैं क्या टेस्ट है इसका। नहीं भैया फ्लॉप है, सोचा था शायद फ्लेवर देगा बट नहीं दिया, ये धुआं देकर है, कोल्ड फ्लेवर है, कोल्ड फ्लेवर बट नहीं है, मज़ा नहीं आया। ये तो कह रहे यार, हाँ भाई मुद्दा ये है भाई, छटपट आ रहा है अपना कौन, किंग, अब किंग को लग गया थे इज्जत से। तो लो जी भाई किंग की एंट्री हो गई है आज, किंग हल्का हल्का चिपका चिपका हुआ है पर कोई चक्कर नहीं है, है 1 2 3 4 नहीं 3 बैठ गया। तो भाई अब मुद्दा ये है कि भाई पीस के डाली चे भैया, इस पे पड़ेगी ये ग्रेवी, ओहो भैया इधर आओ इज्जत से, इधर आओ इज्जत से, हाँ यार कितना क्रीमी है यार, कितना क्रीमी है देखो यार, किससे उससे प्यासे, इतनी कितनी मच्छर हटो साइड पे बेटे, ये हड्डियाँ हट जा साइड पे। तो जी पहली बाइट, जबरानजा 50x 10-10 तो ऐड हो ही जा रहे हैं आज, कितना स्वाद है यार, इतना स्वाद है यार, मैं कह रहा हूँ कि अल्फाज कम पड़ रहे हैं भाई, ये तो आपको बना के ही मालूम पड़ेगा भाई खाने में कैसा है, सच में कह रहा हूँ। अब एक पीस पूस भी रखते हैं सेट करके, किंग ग्रेवी मटन का पीस और हल्की सी काली मिर्च जुबान में आई मेरे, फ्लेवर देखी, फ्लेवर ऐसा फ्लेवर देखी जो यहाँ पर इतना क्लिक कर रहा है, इतना क्लिक कर रहा है भाई, जवाब मैं बोलूँगी आपसे यार, अब बस भाई एक बाइट ना मैं चाहता हूँ कि वाकई में एक खामोशी से ली जाए यार, मैं किस तरह से बोलूं आपको, ये वाकई में ऐसी रेसिपी है जो ना आपको डुबा देगी, एक गोते खिलवाएगी कहाँ पर भाई, टेस्टों के लहरों में, हाँ टेस्टों के लहरों में, क्या क्या बोल रहा हूँ, तो भैया दिमाग खराब हो चुका भैया। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई अगर फुल्का खाओगे, तवा फुल्का खाओगे तो टेस्ट नहीं आएगा भाई, ज़बरदस्त आएगा, बहुत अच्छा आएगा, ये गारंटेड है भैया। मेरा तो ये चटनी खाने का मन ही नहीं कर रहा यार, अब सच में कह रहा हूँ, चलाओ थोड़ा देखते हैं, सच में कह रहा हूँ मन नहीं कर रहा यार, देखूँगा बुरा नहीं है बट यार ये टेस्टी बहुत है यार। भाई राइफल वाला फीस पीस, सॉरी यार उसमें निकला ही नहीं, अबे निकलना यार, यार बेइज्जती कर दी यार, फुक्का है यार। भाई एक चीज़ अब मैंने नोट करके रख ली कि भाई चिकन स्ट्यू बनेगा और पोटा स्ट्यू तो बन के ही रहेगा, मुझे देखना है कि क्या फ्लेवर देगा, लेकिन मटन तो भाई कहर कहर। तो दोस्तों भाई ये था जी मटन स्ट्यू, बहुत ही धमाकेदार रेसिपी थी, धमाकेदार, आप ये जरूर ट्राई करना, मुझे बताना भाई कैसे लगी और कैसे बनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।